हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरु जी रोशन आनंद सर MB2 झा सर की टीम के द्वारा यह सेट तैयार किया गया है, जिसमें अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह सेट बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेट को शुरू करते हैं। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मोल्लेम एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है, तो आपका इस करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में। मुरलेन जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मिजोरम में मुरलेन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। डबल फोर का संबंध किस खेल से है? तो डबल फोर का संबंध देखा जाए तो यह किस खेल से है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बैडमिंटन से जो है डबल फोर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक एलन मॉडल पर आधारित है? तो अशोक एलन मॉडल पर कौन आधारित है, तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है यह अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो यह 1969 से 74 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जिला कन्याधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाती है? तो यह क्या था, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 233 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो है गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो 1955 में जो है विधि आयोग के जो है स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी AMG शीतलवाड़ के जो है अध्यक्षता में, AMG शीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो 1955 में जो है विधि आयोग की स्थापना किया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं, जिसमें कुल जो है 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नाम पंथियों के संपर्क में था, तो नाम पंथियों के संपर्क में कौन सा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार कलंदरिया सिलसिला जो था यह नाम पंथियों के संपर्क में था। यहाँ पे मिलान करना है कि मिस्ट्रल, यह हवा दिया गया है, शीतल पवन और स्थान दिया गया है, तो मिस्ट्रल जो है यह पवन कहाँ का है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ दिया गया कि कौन सही नहीं है, तो मिस्ट्रल हो जाएगा स्पेन और फ्रांस में चलने वाला, पैम्पोरो अर्जेंटीना, हबुक मैक्सिको, फियाजेम ये ब्राज़ील में, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा, फियाजेम ब्राज़ील का हवा नहीं है। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुगारू जल संधि के द्वारा, सुगारू जल संधि के द्वारा जो है प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है। निम्न से कौन सी सही है, बताना है कि दारा दिया गया और सही बताना है, तो जो जिला दरा कहाँ है, तो जौसपुर श्रेणी में, जो जिला दरा कहाँ है, जौसपुर श्रेणी में, बनिहाल दरा पीर पंजाल श्रेणी में, और जो है बनिहाल दरा पीर पंजाल श्रेणी में, और जो फुटला लद्दाख श्रेणी में, और खारदरा जो है ये बृहत हिमालय में है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो खारदरा जो है ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर होगा, ये गलत है। खारदरा कहाँ है, तो यह लद्दाख श्रेणी में, कहाँ पर, लद्दाख श्रेणी में। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो सभी नदियां जो है यह कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी नदी को जो बूढ़ी गंगा कहते हैं, ये याद रखिएगा। गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा, और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, तो यह कहा था किस शिलालेख में, तो ऑप्शन नंबर ए जगह गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरतुगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो
सिंधु घाटी सभ्यता देखा जाए तो यह कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में सुरतुग गई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? यह स्थान दिया गया है तो कहाँ है? तो अफगानिस्तान में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत सभा को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत को सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था? तो सूरत को सबसे पहले कारखाना जो है यह अंग्रेजों ने बनाया था, कब? 1613 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों बीजापुर तथा गोरकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित किया था या अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो फ्रेंड्स 18 के आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि सूची एक सूची दो के यहाँ पे मिलान करना है। तो सूची एक सूची दो को जो है यहाँ पे मिलान करना है, तो आपका इसका यहाँ पे बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है एक इससे संबंधित यह कब आया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह आपका जो है 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, एलएम सिंघवी समिति जो है यह 1986 में, और पीके थुंगन समिति जो है यह 1988 में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये सभी से सम्मिलित हैं। एक फ्रेंड प्रश्न ऊपर में था कि डबल फॉल्ट जो है ये किस खेल से संबंधित था? तो फ्रेंड डबल फॉल्ट तो यह आपको जो है टेनिस से संबंधित, ऊपर में जो है बैडमिंटन बताते थे, सॉरी टेबल ये टेनिस हो जाए, किससे? टेनिस से। यहाँ पे ऊपर में दिया गया था कि डबल फॉल्ट जो है, हाँ प्रश्न नंबर 2 दिया गया था कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से था, तो ये हो जाएगा आपका टेनिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बैडमिंटन नहीं होगा अपने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी जो है गैस है जिनको द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो किसके कारण जो है ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO जो है यह इसके कारण जो है ग्रीन हाउस जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर देगा। जबकि मीथेन नाइट्रिक ऑक्साइड जलवाष्प के कारण जो है यह ओजोन प्रदूषण होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं होता है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित किया गया कितना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 सीट। सार्क संगठन में शामिल सदस्यों देशों में से कौन एक शामिल नहीं है? तो सार्क में जो कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान मालदीव जो है शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो को मिलान करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना है सूची एक और सूची दो को मिलान करने के लिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि स्टेनलेस जलाशय यह जो है तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में, 4 हो जाएगा तमिलनाडु, और जो है कोयना जलाशय, तो कोयना जलाशय कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, कोयना महाराष्ट्र में हो जाएगा। जलापुर, तो जलापुर कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3 उड़ीसा में, और जो है भद्रा जलाशय तो यह कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है फ्रेंड? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ बताना कि कौन सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे जो है आंवला उर्वरक है, नेपा नगर कागज के लिए है, सिंदरी तांबा के लिए, नरोरा अनुशक्ति के लिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंदरी तांबा के लिए गलत है। सिंदरी जो है यह रासायनिक उर्वरक के लिए, किस लिए? रासायनिक उर्वरक के लिए। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तराकू घाटी जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। कोपेनहेगन ने जलवायु को कितने प्रदेशों में विभाजित किया था?
तो कोपेनहेगन के अनुसार जो है जलवायु परिषद को 8 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 8 भागों में। किस मिट्टी को सिंचाई को कम आवश्यकता होती है, तो कम आवश्यकता किस मिट्टी को होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा काली मिट्टी को। काली मिट्टी जब एक बार भींग जाने के बाद ये जो है बहुत कम जो है पानी सोखता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी दिया गया है। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज किसको कहते हैं, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। सीसा और जस्ता को जो जुड़वा खनिज कहते हैं। और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। दिया गया है कि सत्य कथन की टाइटन जो है ये शनि का ऊपर बिल्कुल सही है, टाइटेनिया, अरुण का ट्राइटन जो है यह वरुण कहा जाएगा, यूरोपा जो है यह शनि का यह गलत है, यूरोपा जो शनि का नहीं बल्कि बृहस्पति का है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित से कौन सही है, तो आपका इस राइट आंसर का कौन सा सही है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया जादव पुयोंग को कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं, और आइस मैन ऑफ इंडिया चिवांग नॉर्फोल को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर सभी सही है। असत मिलान का चयन करें, तो सत मिलान का चयन करना है तो चलिए मिलान करते हैं। फतवा ए आलमगिरी जो है किसका है, तो शेख निजामुद्दीन अहमद का है, और जो है तुजुके या जहागीरी तो ये गलत हो जाएगा, आमिर खुसरो नहीं बल्कि तुजुके या जहागीरी जो है यह जहागीर की है, किसकी है, जहांगीर ने खुद लिखा है, तो याद रखिएगा। चहार चमन चंद्रमा का है, और जो नुस्ख ए दुलखुश भीमसेन ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यह गलत दिया गया था। 20 किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी किया जाता है, तो यह आपका रिट का नाम हो जाएगा उत्प्रेषण। राजा राम मोहन राय द्वारा मिराजुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा मिराजुल अखबार का प्रकाशन जो है 1822 में किया गया था, और सती प्रथा का जो है राजा मोहन राय ने कब किया था, तो यह 1829 में किया था। चिलैया समिति संबंध किससे है, तो यह जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार से है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 37 दिया गया है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका प्रसिद्ध किस लिए, तो कोयला क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो यह दीवानी प्रदान किया था किसको ने, किसको, तो शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपका राइट आंसर होगा, राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे। निम्न में से सर्वप्रथम कौन से किला शिवाजी ने जीता था, तो किला जीता था किसने, तो ऑप्शन नंबर सी तोरण का किला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी को जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 1680 में हुआ था, और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जन्म जो चिनेरी के दुर्ग में हुआ था, और जो राजद से कहाँ किए थे, तो रायगढ़ के दुर्ग में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था, तो यह जो था किस रिपोर्ट पर आधारित था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर अरुंडेल समिति पर। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुआ था, तो मुस्लिम सरकार में जो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने किया, तो इसके स्थापना जो किसने किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीपी वांडिया ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बीपी वांडिया। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। भारत में देखा जाए तो वर्तमान में कुल 75 रामसर स्थल है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो तमिलनाडु में 14, उसके बाद यूपी हो जाएगा। सर्वाधिक जो है समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में हो रहा था, तो सर्वाधिक समय से जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा था, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो वह जो मंत्री जो है 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सत कथन का मिलान करना है, तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, और विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 मई को मनाते हैं, यह गलत दिया गया है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 मई नहीं बल्कि 18 अप्रैल को मनाते हैं।
यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। तो गोर छनी सभा, तो गोर छनी सभा से कौन संबंधित है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, गो हत्या विरोधी समिति से। यह जो आपका कौन संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक, और गोर रक्षा संघ से तो महात्मा गांधी। तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा 4 हो जाएगा, CBA। निक्की क्या है, तो निक्की जो देखा जाए यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में मूल अंश मूल सूचकांक को जो निक्की कहा जाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो बताना है कि भाग 2 में नागरिकता दिया गया, बिल्कुल सही है। भाग 3 में जो है मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSC दिया गया है, और भाग 5 के क में जो है मूल कर्तव्य दिया गया, गलत है। भाग जो है यानी मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के क में दिया, कितना, भाग 4 के क में, ये याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस पत्र में लिखते हुए बोला कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को कुचल दिया, तो यह लिखा था किस पत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डंडस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डंडस। निम्न से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकुचित किया गया है, यह संकुचित किया गया है सुदपिटक में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन परिदृश्य मई 2023 तक को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों ने समझौते पर ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किया है, तो हस्ताक्षर किया ऑप्शन नंबर बी गोवा और उत्तराखंड। हाल ही में जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है आपको डॉक्टर के गोविंद राज को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है कहाँ जो हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, तो यह जो रखा गया है कहाँ पे, तो आपका इसका राइट ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया रखा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो रियाना बरनावी जो है यह सऊदी अरब की महिला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागू दारी पहल शुरू किया है, तो दारी पहल शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो कर्तव्य पथ का जो है पॉकेट मैप का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यह 4 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया गया, यह किया गया कहाँ पे, तो डॉक्टर एलन मुर्गन ने किया। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है, तो यह तैनात किया किसने, तो ऑप्शन नंबर है भारत ने। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जो आयोजन हुआ दुबई में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर जगह। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, जो कब मंजूरी दिया है, तो आपका इस कैरेक्टर था 26 नवंबर को। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया, यह दिया गया है गौरी को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है, तो यह रेखा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। क्षेत्रवा कास्ट फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका चलिए विचार करते हैं, तो 65 के आपका जो है दिया गया है, तो पार्ले डी और एटॉमी ऑफ द फॉल लिखा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टॉन ऑन द हंग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी आकुश है। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत की रैंकिंग क्या है, जिसमें भारत की रैंकिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 161वां। प्रथम आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा, तो यह किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर के द्वारा। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है, तो यह जारी किया ऑप्शन नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पर सम्मिलित बताना है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी देखा जाए
इनमें से सभी जो आपका सही आंसर है। दिया गया है कि कलेक्टिव द स्पिरिट कॉन्क्रेक्टिव एक्शन, ये जो मन की बात एंड इट्स द इन्फेक्शन ऑफ इंडिया, ये शशि शेखर के पति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई जो है, वाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड, ये वाणी त्रिपाठी की है। स्मोक एंड एस एच अमिताभ घोष का है, तो फिर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। हाल ही में वर्ष 2023 से मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए, हरि बाल कृष्णन को। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों का सर्वाधिक संख्या है, जो 294 प्रजातियां दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया ऑप्शन नंबर चार, उत्तराखंड में। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो यह प्राप्त करेगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल से। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते हैं। तो एमीटर, तो एमीटर से क्या मापते हैं? तो एमीटर से जो है हम लोग धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से जो क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से देखा जाए तो अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग टूला से ये भार मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है 3-4-2-1 हो जाएगा, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो क्या होता है कि उसका आकार जो है आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो यह जो परिवर्तित करता है कौन, तो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 का सी हो जाएगा। ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो है ये सर्वाधिक जो है अन्य तीनों की तुलना में सर्वाधिक जो है सूर्य रोशनी परिवर्तित करता है। निम्न से कौन सा जल विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, पराध्वनिक तरंग। एक तार में बहती विद्युत धारा एक वम विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरोरा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जो है आउटपुट डिवाइस है, तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, प्लास्टर प्रिंटर मॉनिटर में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? तो यह विकसित किया गया ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है कहाँ पे? तो यह जो है IIRS जो है यह स्थित है कहाँ पे, तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिविनाश से। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं? तो कैसे जाने जाते हैं, तो आपका इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? तो सोडा वाटर की बोतल जैसे ही खोलते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। निम्नलिखित सूची में यहाँ पे मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो नीला थोथा किसको कहते हैं? ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट को, नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एप्सम साल्ट जो है यह आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइक यानी खाने वाला सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका इस करेक्ट होगा 4312, 4312 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग जो है बेकेलाइड के निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर मच्छर चमगादड़ और उल्लू होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरोइन प्राप्त होता है किससे?
थिरोन जो है अफीम या पोस्ता से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र देखा जाए तो यह जो आपका किसमें नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चार इसका राइट छिप पीली में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यह भंडारित किस में रहता है? तो यह क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तित क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो नियंत्रण केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कशेरुकों राज्य में और स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेगा, चलिए मिला लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका 21 हो जाएगा, ए का ए 21 बरस, 97 आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा 58 रन, 98 आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा 200 मीटर, 99 आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, और 100 आपका हो जाएगा ये भी आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो नए सेट में, सेट नंबर 50 में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।